नमस्कार दोस्तों, प्रभु श्री राम और उनके तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम की एक बहन भी थी? जी हाँ, महाराज दशरथ और देवी कौशल्या की एक पुत्री थी जिनका नाम था देवी शांता, जो प्रभु श्री राम से बहुत साल बड़ी थी। वे अत्यंत गुरुवान और गुणवान भी थी। एक बार अंग देश के राजा रोमपद जी महाराज दशरथ जी से मिलने के लिए अयोध्या आए थे अपनी पत्नी के साथ। तब जब महाराज दशरथ को पता चला कि उनकी कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने अपनी सर्वगुण संपन्न पुत्री शांता को महाराज रोमपद को गोद में दे दिया था और महाराज रोमपद उन्हें लेकर अपनी पत्नी सहित वापस अंग देश में आ गए थे। आगे चलकर देवी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ। श्रृंगी ऋषि का कुल्लू में एक बहुत भव्य मंदिर भी है। कुल्लू से लगभग 50 किलोमीटर आगे श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, जहाँ पर देवी शांता की प्रतिमा के साथ उनकी पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शांता देवी की उपासना और पूजा करते हैं इस मंदिर में आकर, उनके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहती है। रामायण में ऐसे बहुत से पात्र हैं जिसके बारे में प्रायः लोग कम जानते हैं, तो ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।